हे गाइस, कैसे हो गाइस। आज के इस नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले सीपीएल के नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है सेंट लूसिया जुक्स वर्सेस त्रिन वैगो नाइट राइडर्स, इन दोनों टीम के बीच में। तो गाइस, ये मैच आज शाम को 7:30 बजे हम लोगों को खेलते हुए दिखने वाला है। गाइस, हम इस वीडियो में दोनों टीम्स के पिछले परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेंगे, दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 चेक कर लेंगे, दोनों टीम की ओर से कौन से बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, उन पर हम लोग फोकस करेंगे। प्लस मैं आपको माई 11 सर्कल और ड्रीम 11 की टीम भी दे दूंगा। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। गाइस, अगर आप लोगों ने हमारा अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैच से पहले जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दूंगा। गाइस, ये मैच होने वाला है पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में। कल भी इस ग्राउंड पे दो मैचेस हुए थे। न्यू ग्राउंड है इस टूर्नामेंट के लिए, सेकंड ग्राउंड। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो गाइस, पिछले सीजन में यहाँ पे बल्लेबाजी बहुत अच्छी देखने को मिली थी और वैसे ही हम लोगों ने उम्मीद करी थी कल के दिन में, बट पिच कुछ अलग ही देखने को मिली। कोविड-19 की वजह से क्यूरेटर्स ने ज़्यादा काम नहीं किया है पिच पे, इसी वजह से हम लोगों को पिच स्लो देखने को मिली। बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे, तो हम लोगों को फिर से वही देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पिनर्स और स्लो बॉलर्स अच्छा करेंगे और बैट्समैन स्ट्रगल करने वाले रन बनाने के लिए। टोटल दो मैचेस हुए कई कल गाइस इस ग्राउंड पे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा 129 का और एवरेज टोटल स्कोर रहा 131 का। यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर बना था 152 और कल के दिन में, और लोएस्ट स्कोर बना था 108। बैट फर्स्ट ने कोई मैच नहीं जीता गाइस, कल के दोनों मैच बैट सेकंड ने जीते थे, अच्छे से चेस कर लिया था। टोटल विकेट्स 25 गए, जिसमें 12 लिए फास्टर्स ने और स्पिनर्स ने लिए 11। 12 जो फास्टर्स ने लिए उसमें भी कुछ स्लो बॉलर्स आपको मिल जाएंगे, तो इससे पता चल जाता है गाइस कि पिच में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही स्पिनर्स को, स्लो बॉलर्स को, और बैट्समैन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे। तो हम लोग वही फार्मूला के साथ जाएंगे जो हम लोगों ने पिछले ग्राउंड में यूज़ किया था, कि जो ओपनर्स में से हम लोग कोई ऐसा ओपनर ले लेंगे जो स्टार्टिंग में बड़े बड़े छक्के लगा के कुछ रन बना के देता है, प्लस मिडल ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाजों को लेंगे जो स्पिनर को अच्छा खेल लेते, पेशेंस के साथ खेल सकते, ऐसे बल्लेबाजों को हम हमारी टीम में रखेंगे। प्लस बॉलर्स में हम लोग स्लो बॉलर्स प्लस स्पिनर्स को रखेंगे, तो हमारी टीम अच्छे से बन जाएगी। तो इस फॉर्मूले के साथ चलो गाइस, जब टीम आप लोग बनाओगे। तो चलो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले दोनों टीम्स के बारे में, स्टार्ट करेंगे हम लोग सेंट लूसिया जुक्स की। गाइस, अगर हम लोग बात करें सेंट लूसिया जुक्स की, तो इनका टूर्नामेंट अब तक अच्छा गया हुआ है। पहले मैच हार गए थे, बट बाकी के तीनों मैच से आसानी से जीत चुके। पॉइंट्स टेबल पे दो नंबर चल रहे और ट्रिन वैगो नाइट राइडर्स पॉइंट्स टेबल पे एक नंबर, तो दोनों के बीच में ये मैच होने वाला है, तो ये मैच बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। ट्रिन वैगो नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, और अगर सेंट लूसिया जुक्स की बात करें तो उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, तो दोनों के बीच में बहुत अच्छा बैटल हम लोग को देखने को मिल सकता है। सेंट लूसिया जुक्स की अगर बात करें तो इनकी ओर से किमानी मेलियस राइट हैंडेड बैट्समैन, तीन मैचेस को इनको चांस नहीं मिला, बट पिछला मैच एक खेले थे जिसमें इन्होंने 8 रन बनाए थे 5 गेंदों में, एक छक्का लगाया था और दूसरा छक्का लगाने के चक्कर में आउट हो गए थे। बहुत तगड़े प्लेयर है और हमेशा अच्छे रन कराने की, बड़े रन करने की इनकी कोशिश होती है। ये T10 क्रिकेट में भी 100 लगा चुके 34 गेंदों में, तो उम्मीद करूंगा कि अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पर्सनली, और शायद मैं इनको ग्रैंड लीग में फिर से कैप्टन ट्राई करने वाला हूँ आज के मैच में। एंड्रे फ्लेचर, इनका भी टूर्नामेंट ठीक ठाक गया हुआ है, पहले तीन मैचेस में अच्छे फॉर्म में लगे, पिछले मैच में जरूर 12 रन बना के आउट हो गए थे 16 गेंदों में, बट अच्छे लग रहे, प्लस विकेट कीपिंग के भी आपको पॉइंट्स देते हैं, तो स्मॉल लीग के लिए एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं। मार्क डयाल वन डाउन आते मोस्टली, 17 रन बनाए थे 6 गेंदों में, फिर उनको बल्लेबाजी नहीं मिली थी, 30 रन बनाए थे 17 गेंदों में और 2 रन बनाए थे 3 गेंदों में, तो इस पिछले मैच में जरूर जल्दी आउट हो गए थे, बट अच्छे फॉर्म में चल रहे, अच्छे रन बना रहे और स्मॉल लीग के लिए अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक या दो ओवर्स गेंदबाजी करके भी देने वाले हैं। रोस्टन चेस 4 नंबर पे आते हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में, अब तक सबसे बेस्ट प्लेयर इस टीम की ओर से अगर बोले तो रोस्टन चेस रहा है, जिसने पहले मैच में 52 रन, सेकंड मैच में बल्लेबाजी नहीं मिली, थर्ड मैच में 4 रन बनाए और फोर्थ मैच में 66 रन बनाए थे 51 गेंदों में, स्मॉल लीग के लिए बेस्ट प्लेयर हो सकता है और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी एक अच्छा प्लेयर होने वाला है, क्योंकि आपको 3 से 4 ओवर गेंदबाजी भी करके देता है। नजीबुल्ला जदरान, इसके कुछ मैचेस मतलब 25 रन 28 रन अगर दो इनिंग को छोड़ दे तो बाकी इनिंग्स में उतना अच्छा नहीं लगा, जो 25-28 भी बनाए तो बड़े रन में कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसे ज़रूर पिक किया था स्मॉल लीग के लिए, बट हम लोग अभी फिलहाल इसे पिक नहीं कर सकते क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मोहम्मद नबी 13 रन पहले मैच में, सेकंड मैच में 15 रन, थर्ड मैच में 35 रन, फोर्थ मैच में 27 रन, प्लस 4 ओवर की गेंदबाजी, तो बहुत तगड़ा चल रहा है, इसे भी आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। 5 या 6 नंबर पे बल्लेबाजी करेगा, 4 ओवर्स आपको देगा, तो स्मॉल लीग के लिए बहुत बहुत ही बढ़िया प्लेयर है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए।
जैविल ग्लेन पहले 3 मैचेस नहीं खेले थे, फोर्थ मैच में इनको चांस मिला जहाँ इन्होंने 19 रन बनाए 17 गेंदों में, तो ये भी आपको 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए मिल जाएंगे। डैरेन सैमी मोस्टली आपको ये कैप्टनसी का ही रोल करते हुए दिखेंगे, ना ही गेंदबाजी कर रहे बल्लेबाजी में, इनको बहुत नीचे चांस मिल रहा है, तो आप इनको मोस्टली ना पिक करो तो भी चल सकता है, ग्रैंड लीग में रोटेट जरूर कर सकते हो। इनके अलावा इस आपको 3 प्लेयर्स मिल जाएंगे जो आपको गेंदबाजी से पॉइंट देने वाले। अगर इनके बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो बॉलिंग में स्कॉट कुक ग्लेन ने बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, टोटल अब तक अगर बात करो तो 10 विकेट्स निकाल चुके हैं अपने 4 मैचेस में, देख सकते हो पहले मैच में 1, सेकंड मैच में 2, थर्ड मैच में 4 और फोर्थ मैच में 3। तो गाइस ये भी बहुत अच्छा पीक हो सकती है ग्रैंड लीग में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने का, क्योंकि हर मैच में ये 2+ विकेट्स निकाल रहे अब तक, तो और 10 विकेट्स निकाल चुके हैं। न्यूजीलैंड से आते हैं, इनके पास स्लो बॉलर, इनके पास पेस भी है, तो पावर प्ले में 2 ओवर्स डालेंगे प्लस डेथ में 2 ओवर डालेंगे तो आपको अच्छे खासे विकेट ले लेके दे सकते हैं। इनके अलावा इस मोहम्मद नबी बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने भी करी हुई है, पहले मैच में 2 ही ओवर्स मिले थे, उसके बाद हर मैच में इनको 4 ओवर्स मिले, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, तो टोटल 3 विकेट्स इन्होंने पिछले 4 मैचेस में निकाले हुए। तो ये भी बहुत तगड़ा प्लेयर है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ज़्यादा इनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं, आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग के लिए। कैस्ट्रिक विलियम्स गाइस पहले मैच में 2 विकेट, सेकंड मैच में 1 विकेट, थर्ड मैच में कोई विकेट नहीं मिला, फोर्थ मैच में 2 विकेट्स, तो गाइस इस बंदे ने भी टोटल अब तक 5 विकेट्स निकाले हुए। ये भी डेथ में गेंदबाजी करेगा तो विकेट लेने के इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो स्मॉल लीग में ऑब्वियस चॉइस हो सकता है, एज अ बॉलर जरूर पिक कर सकते हो आप लोग कैस्ट्रिक विलियम्स को। रोस्टन चेस गेंदबाजी से अगर देखो तो पहले मैच में गेंदबाजी ने, सेकंड मैच में सिर्फ 2 ओवर 2 विकेट्स, थर्ड मैच में 4 ओवर 3 विकेट्स, फोर्थ मैच में 4 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं, तो 4 ओवर हर मैच में डाल रहा है अभी ये, प्लस आपको बल्लेबाजी में 4 नंबर पे बल्लेबाजी करके देगा, तो ये भी स्मॉल लीग के लिए ऑब्वियस चॉइस होगा, बहुत सारे लोग इनको वाइस कैप्टन करने वाले हैं और कैप्टन करने वाले स्मॉल लीग में। उसके बाद मार्क डेल, एक ही मैच में इनको गेंदबाजी मिली थी जहाँ पे इन्होंने एक विकेट निकाला था, बाकी किसी भी मैच में इसको गेंदबाजी नहीं मिली। केमार होल्डर पिछला मैच खेले थे, पहले 3 मैचेस नहीं खेले थे, जिसमें उन्होंने 4 ओवर 32 रन देके 2 विकेट्स निकाले, तो अच्छी गेंदबाजी इन्होंने कर ली थी पिछले मैच में, प्लस इन्होंने इंग्लैंड में आई थिंक टेस्ट मैचेस भी ये खेलने गए थे, तो एक अच्छे प्लेयर है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो नहीं बोल सकते बट हाँ क्वालिटी प्लेयर जरूर है, तो इनके बारे में भी आप लोग देख के चल सकते हो। बेंच पे गाइज आपको मिल जाएंगे ओबेड मोकाई जो पिछला मैच नहीं खेले थे, क्योंकि इनके पिछले 2 मैचेस अच्छे नहीं गए थे, पहले मैच में जरूर इनको 1 विकेट मिला था, बाकी मैचेस में इनको विकेट नहीं मिले। साथ बन जपर इनको भी गाइस पहला मैच नहीं खेले, बाकी के 2 मैचेस में चांस मिला बट ये भी उतना अच्छा नहीं कर पाए, इसलिए उनको अगले मैच में ड्रॉप कर दिया था, तो ये फिर से शायद नहीं खेलेंगे। जेर खान पहले मैच में 4 ओवर 36 रन, बाकी कोई भी मैच ये अब तक नहीं खेले हुए, तो इनका इनकी जगह जरूर बनती है टीम में, बट टीम ने सिर्फ 1 मैच इनको खिलाया हुआ है अब तक, तो उम्मीद करेंगे कि ये मैच खेल सके ये। उसके बाद कोई आपको नहीं मिलेगा। रकीम कर्णवाल 3 मैचेस खेले थे, उसके बाद इंजर्ड हो गए थे, इसलिए फोर्थ मैच में उनको ड्रॉप कर दिया था, शायद ये प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे अगले मैच के लिए भी, क्योंकि किमानी मेलियस शायद उसको और किमानी मेलियस को और भी अच्छा एक चांस मिल सकता है अगले मैच में। किमानी मेलेस के स्टैट्स गाइस आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छे स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। केमर होल्डर के स्टैट्स आप अच्छे मिल जाएंगे, दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले। यहाँ पे जेवाल ग्लेन ये भी अच्छे, इनके भी स्टैट्स मिल जाएंगे, ये भी प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर होंगे, बाकी ये 2 प्लेयर्स को अब तक चांस नहीं मिला हुआ है। तो चलो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट टीम की बात कर लेंगे, टीकेआर की बात कर लेंगे। गाइस टीकेआर का अगर रिजल्ट देखो तो 3 मैचेस में इन्होंने विन किया हुआ है, अब तक एक भी मैच ये हारे नहीं है, और सबसे बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की मानी जाती है, 2 या 3 बार ये टाइटल भी जीत चुके हैं। सीपीएल का पिछला सीजन इनका खराब गया था क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, बट इस बार ये टीम अच्छी लग रही है और अच्छा करती हुई दिख रही है। इनकी ओर से सुनील नारायण ओपनिंग करते, पहले 2 मैचेस में इन्होंने 2.50 लगाए थे, थर्ड मैच में 8 रन बनाए थे 16 गेंदों में, थर्ड मैच में उतने अच्छे लगे नहीं। उसके बाद गए सिलेंडर सिमंस, पहले 2 मैच में अच्छे नहीं लगे बट पिछले मैच में 21 रन बनाए थे 21 गेंदों में, तो ये अच्छे लगे थे पिछले मैच में और शायद इस मैच में बड़ा कर सकते हैं, ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होने वाले एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन। कॉलिन मुनरो पहले मैच में 17, सेकंड मैच में 49 रन, थर्ड मैच में 50 रन, तो ये 3 मैचेस में बहुत तगड़े लगे और स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छा पीक हो सकता है, आप लोग जरूर इनको ट्राई कर सकते हो। बट गाइस सुनील नारायण और कॉलिन मुनरो को आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो स्मॉल लीग के लिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। डैरेन ब्रावो 4 पे आ रहे और स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते इसलिए अब तक अच्छे कर रहे, पिछले मैच में 54 भी बनाए थे, फर्स्ट मैच में 30 रन, तो ये बहुत अच्छे प्ले पिक हो सकते हैं स्मॉल लीग के लिए। स्पिनर को बहुत अच्छा खेलेंगे मिडल ऑर्डर में, आपको हर मैच में 25-30 रन बना के देने वाले, तो इसे पिक कर सकते हो, जरूर पिक कर सकते हो। कारेन पोलार्ड पहले 2 मैचेस में इनको ज़्यादा चांस नहीं मिले, थर्ड मैच में जब चांस मिला 41 रन बनाए 17 गेंदों में, और मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था, अगर टीकेआर
आपकी पहली बल्लेबाजी होती है तो कैरन पोलार्ड को कैप्टन जरूर ट्राई करना, क्योंकि कैरन पोलार्ड अच्छा करता हुआ दिखेगा और उसने अच्छा किया था गाइस। टीम सिपट बहुत तगड़ा प्लेयर है, बट इसको भी अब तक बल्लेबाजी मोस्टली नहीं मिली है। एक मैच में मिली थी जहाँ 2 रन बनाए, बाकी 2 मैचेस में बल्लेबाजी नहीं मिली। ड्वेन ब्रावो पहले मैच में मिली, बाकी 2 मैचेस में नहीं मिली। बाकी आपको पॉइंट गेंदबाजी से पॉइंट देने वाले बाकी प्लेयर्स। इनके बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो अली खान पहले मैच में 1 विकेट, सेकंड मैच में 2 विकेट, थर्ड मैच में 1 विकेट, तो इसने भी 4 विकेट्स निकाले हुए। अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, पेसर्स डिपार्टमेंट में ये सबसे अच्छी गेंदबाजी अब तक इस टीम के लिए कर रहा है। सुनील नारायण की बात करेगा इस, तो पहले मैच में 2, सेकंड मैच में 1 और थर्ड मैच में 1 ही, तो इसमें भी 4 विकेट्स प्लस बल्लेबाजी, तो ये भी बहुत अच्छा पीक होने वाला कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। सारे लोग इसे कैप्टन करने वाले स्मॉल लीग के लिए। फवाद अहमद पहले मैच 0 विकेट, सेकंड मैच 1 विकेट, थर्ड मैच 1 विकेट, तो इसने भी 3 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले हुए, हर मैच में 3 ओवर्स डाल रहा है, तो ये भी अच्छा पीक हो सकता है इस पिच पे, क्योंकि स्पिन को अच्छा खासा यहाँ पे हेल्प मिल रहा है। जेडन सिल्स पहला मैच 1, सेकंड मैच में 2 और थर्ड मैच में 1 ही, तो इसने भी 4 विकेट्स निकाले हुए, तो एक अच्छा पीक है। इसमें कोई आपको ऐसा बॉलर नहीं मिलेगा गाइस जिसने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी हुई है, सबने 3-4 विकेट 3-4 विकेट्स निकाले हुए, क्योंकि इनकी गेंदबाजी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम लोग को अपोनेंट टीम से बल्लेबाजी अच्छी देखने को मिल सकती है। उसका ड्वेन ब्रावो का इसका सीजन उतना अच्छा नहीं गया, पहले मैच में 4 ओवर 40 रन 1 विकेट, सेकंड मैच में 4 ओवर 32 रन 1 विकेट, थर्ड मैच में 4 ओवर 46 रन कोई विकेट नहीं, तो सिर्फ 2 विकेट्स प्लस बहुत ज़्यादा रन दे के रखे हुए ड्वेन ब्रावो ने, तो इसी वजह से शायद बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका स्ट्रगल कर रहा है, बट इनकी बल्लेबाजी की वजह से अब तक ये कोई भी मैच नहीं हारे हैं। खरीफ आयर पहला मैच नहीं खेले, सेकंड मैच में 2 ओवर 20 रन, थर्ड मैच में 3 ओवर 19 रन 1 विकेट, तो ये अच्छे स्पिनर है, बट पूरे 4 ओवर्स इनको भी नहीं मिल रहे, क्योंकि ये भी उतने इंप्रेसिव अब तक नहीं लगे। तो कैसे इनके अगर बेंच पे देखो तो सिकंदर राजा पहला मैच खेले थे, उसके बाद कोई मैच नहीं खेले, इनके अलावा कोई किसी भी प्लेयर को अब तक चांस नहीं मिला है। शायद हम लोग को एक चेंज देखने को मिल सकता है, आमिर जंगो आज का मैच खेल सकते हैं, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर है और इमर्जिंग प्लेयर को 5 मैचेस में चांस देना ही पड़ता है CPL में, तो शायद आज के मैच में हम लोग को चेंज होता हुआ दिख सकता है। तो चलो गाइस अब हम लोग बात करने वाले My11circle और Dream11 के टीम की। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो विकेट कीपर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे 2 प्लेयर्स जो अब तक प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे हैं, एंड्रे फ्लेचर और टीम सिपट, बट टीम सिपट को बल्लेबाजी नहीं मिलती है, तो ऑब्वियस चॉइस हो जाएंगे आप लोगों के लिए एंड्रे फ्लेचर जो ओपनिंग करते हैं। बैटिंग सेक्शन में एक मिल जाएंगे आपको कॉलिन मुनरो, बहुत तगड़े फॉर्म में चल रहे, डैरिन ब्रावो ये भी बहुत तगड़े फॉर्म में चल रहे थे, ये भी ऑब्वियस चॉइस हो जाएंगे। नजीबुल्ला जदरान के पिछले कुछ मैचेस अच्छे नहीं गए तो हम लोग छोड़ देंगे। डेंडल सिमिंस भी पिछला मैच अच्छा खेले थे बट बड़ा स्कोर नहीं कर पाए तो हम लोग फिलहाल छोड़ देंगे। बट गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉलिन मुनरो है लेफ्ट हैंडेड, और अगर ओपोनेंट टीम की सेंट लुसिया की बात करें तो उनके पास 2 ऑफ स्पिनर है, रोस्टन चेस और मोहम्मद नबी, तो शायद आज का मैच कॉलिन मुनरो अच्छा नहीं करने वाले और जल्दी आउट हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग में ही मोहम्मद नबी और रोस्टन चेस गेंदबाजी करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि सैमी ने अब तक बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट नहीं किया अपने टीम के लिए, बट डैरेन सैमी ने गेंदबाजी कैप्टनसी बहुत अच्छी करी हुई है, क्योंकि जब भी लेफ्ट हैंडेड आता है बल्लेबाजी करने के लिए तो डैरेन सैमी अपने ऑफ स्पिनर को लगा देता है और ऑफ स्पिनर विकेट निकाल लेता है। तो इनके पास सुनील नारायण, कॉलिन मुनरो, डैरेन ब्रावो तीनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो हम लोगों को मोहम्मद नबी और रोस्टन चेस के 4-4 ओवर्स इनके सामने देखने को मिलने वाले और ये विकेट भी निकालने वाले, क्योंकि पिच में बहुत ज़्यादा मदद है, प्लस दोनों गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो शायद आज के मैच में कॉलिन मुनरो नहीं चलने वाले, इसलिए मैं उनको ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं जाने वाला लैंडल सिमंस के साथ, क्योंकि लैंडल सिमंस है राइट हैंडेड बैट्समैन और अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। डैरेन ब्रावो के साथ इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वो स्पिनर को अच्छा खेल लेते और 20-25 रन वो फिर भी बना लेंगे, बट कॉलिन मुनरो नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है, क्योंकि वो हर गेंद को छक्का मारने की कोशिश कर दे तो शायद आज के मैच में आउट हो सकते हैं। आप लोग बिल्कुल उनके साथ जा सकते हो, सेफ ऑप्शन वही होने वाले, बट मैं उनको इस मैच में ड्रॉप करने वाला हूँ। फिर भी मैं आपको टेलीग्राम पे एक सेफ टीम दे दूंगा जिसमें आपको कॉलिन मुनरो मिल जाएंगे, और मैं आपको मेरी फाइनल टीम भी दे दूंगा जिसमें आपको कॉलिन मुनरो नहीं मिलने वाले। तो कैसे उसके बाद अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो रोस्टन चेस, स्कॉट कुगेलाइन, सुनील नारायण, मोहम्मद नबी, कायरन पोलार्ड, 5 ऑप्शन ऑब्वियस हो जाते हैं। सुनील नारायण भी बल्लेबाजी में नहीं चलने वाले आज के मैच में ऐसा मुझे लगता है, बट वो 4 ओवर गेंदबाजी देंगे आपको, इसलिए मैं उनको लेके चल रहा हूँ। आपको अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में तो सॉरी बॉलिंग सेक्शन में तो कैस्टिक विलियम्स ऑब्वियस चॉइस, इनको लेना ही लेना, आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं अभी 17 क्रेडिट के साथ। आप किसे ले गए? अली खान को मैं ले लूँगा और फवाद अहमद को मैं ले लूँगा, क्योंकि स्पिनर्स को हेल्प यहाँ पे मिल रहा है, प्लस अली खान अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, तो उसके ले लूँगा। अगर आप लोग ड्वेन ब्रावो को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट थोड़ा आपको क्रेडिट का इशू होने वाला है। अब आप लोग यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन किसे कर सकते हो, एक बार हम लोग कर लेते प्रीव्यू। तो यहाँ पे कैप्टन मिल जाएगा आपको सुनील नारायण, ये ऑब्वियस चॉइस है, सब सुनील नारायण को कैप्टन करने वाले आज के मैच में, और वाइस कैप्टन करेंगे मोस्टली रोस्टन चेस को।
मोहम्मद नबी को और कॉलिन मुनरो को, इन तीन प्लेयर्स को वाइस कैप्टन मिल जाएगा आपको। बट मैं करने वाला हूँ कैप्टन रोस्टन चेस को, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि कॉलिन मुनरो या फिर सुनील नारायण की विकेट निकाल सकता है, या फिर आप लोग कैप्टन कर सकते हो मोहम्मद नबी को। मैं सुनील नारायण को शायद आज के मैच में कैप्टन नहीं करूंगा मेरी टीम में, बट आप लोग सेफ जाना चाहते हो तो आप लोग सुनील नारायण को कैप्टन कर देना, वाइस कैप्टन कर देना आप लोग रोस्टन चेस को या फिर मोहम्मद नबी को। कॉलिन मुनरो को मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो सेफ ऑप्शन हो सकता है। मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाला आज के मैच में रोस्टन चेस और कायरन पोलार्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर पहली बल्लेबाजी टीकेआर की होती है, अगर सेकंड भी होती है, तो शायद टॉप ऑर्डर इनका आज फेल हो जाएगा और कायरन पोलार्ड को फिर से ऊपर जल्दी बल्लेबाजी आ जाएगी और कायरन पोलार्ड फिर से अच्छा करते हुए मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन कायरन पोलार्ड और रोस्टन चेस होंगे, या फिर मोहम्मद नबी और कायरन पोलार्ड हो सकते हैं। लैंडल सिमंस को ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना गाइस, क्योंकि इनको बहुत सारे लोग ट्राई नहीं करने वाले या फिर छोड़ देने वाले, तो आप लोग जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये राइट हैंडेड बैट्समैन है और अपोनेंट टीम में आप लोगों को मिल जाएंगे ऑफ स्पिनर्स, तो उनके अगेंस्ट ये बंदा अच्छा कर सकता है, तो इनको जरूर ट्राई करना। तो चलो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले ड्रीम इलेवन की टीम की। गाइस अगर ड्रीम इलेवन टीम की बात करें तो यहाँ पे अगर विकेट कीपर सेक्शन आप लोग देखो तो यहाँ पे फिर से आप लोगों को दो प्लेयर्स मिल जाएंगे, इनमें से शायद एंड्रे फ्लेचर ही अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। सबको पता है टीम से बिल्कुल बल्लेबाजी मोस्टली मिलती नहीं, तो हम लोग एंड्रे फ्लेचर को यहाँ से पिक कर लेंगे। बैटिंग सेक्शन में गाइस मैं जाऊँगा लिंडल सिमंस के साथ, जैसे कि मैंने बोला मैं कॉलिन मुनरो को आज के मैच में पिक नहीं करने वाला हूँ। आप लोग जरूर पिक कर सकते हो, बट मैं अभी जाऊँगा लिंडल सिमंस के साथ। उसके साथ मैं जाऊँगा डेरिन ब्राव के साथ, और एक मुझे प्लेयर लेना है, तो मैं जैसे क्रेडिट बच जाएंगे उस हिसाब से मैं प्लेयर ले लूँगा। ऑलराउंडर सेक्शन में अगर बात करो, सुनील नारायण, मोहम्मद नबी, रोस्टन चेस और कायरन पोलार्ड दोनों प्लेयर्स ऑब्वियस हो जाते हैं जिनको हम लोग पिक ले सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में स्कॉट कुक, लाइन कैस्टिक विलियम्स, दो प्लेयर्स मुझे लेने हैं, बट मैं अभी इसको कैस्टिक विलियम्स को ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि क्रेडिट का बहुत इशू होने वाला है। तो नीचे से हम लोग ले लेंगे अली खान को, जो मुझे 8 क्रेडिट में मिल जाएगा। उसके बाद 8.5 क्रेडिट का एक बंदा उठा लेंगे जो अच्छा हो सकता है। यहाँ से मार्क डियाल मुझे कितने में मिलेगा, मार्क डियाल मुझे 8 के क्रेडिट में मिल जाएगा, तो मैं एक मार्क डियाल को ले लूंगा, या फिर मैं ऐसे केमानी मेले इसको पिक कर लूंगा। तो दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो गाइस, आपको कम क्रेडिट में मिल जाएंगे क्योंकि आपके पास सिर्फ 16.5 क्रेडिट बचे हुए, तो उस हिसाब से आपको टीम लगानी होगी, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है टीम बनाना। तो फिलहाल फवाद अहमद को यहाँ से ले लूँगा और यहाँ से मैं मार्क डियाल को ले लूँगा। इस तरीके से टीम बन जाएगी। मार्क डियाल मुझे वन डाउन बल्लेबाजी करके दे देंगे, एक दो ओवर डाल के देंगे। मोहम्मद नबी, रोस्टन चेस ऑब्वियस चॉइस है, 6 प्लेयर्स इनके इसलिए लिए हुए गाइस कि ये टीम भी अच्छी है। अगर आप लोग चाहते हो तो सुनील नारायण को ड्रॉप भी कर सकते हो, गेंदबाजी से 4 ओवर डालेंगे, बट बल्लेबाजी से मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा करने वाले हैं। तो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन ऑब्वियस है, मैं रोस्टन चेस, मोहम्मद नबी और कायरन पोलार्ड इन तीनों के बारे में सोच रहा हूँ एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर आप लोग सोच रहे हो तो आप लोग सुनील नारायण को एज अ सेफ कैप्टन चूज कर सकते हो, और रोस्टन चेस और मोहम्मद नबी को एज अ सेफ वीसी पिक कर सकते हो। तो जी गाइस इतना ही था। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकंड, आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, क्योंकि फ्यूचर के सारे मैचेस में आपको मैं कवर करूंगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाए करेगा। तो चलो गाइस खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैच में नेक्स्ट वीडियो के साथ।